दूसरे राज्य के कितने भी मुख्यमंत्री हो ले आइए, आपके केंद्र में जितने मंत्री हो ले आइए, अगर झारखंड में राज चलेगा तो हेमंत सोरेन का चलेगा, अगर झारखंड में सरकार बनेगी तो महागठबंधन की सरकार बनेगी। जितनी योजनाएं हेमंत सोरेन ने अभी दी है इससे कई गुना आगे आने वाले समय में देगी। अगर रोक सकते हो तो रोक के दिखा दो, क्योंकि यहाँ पे हमारी हजारों लाखों संख्याएं में हमारी माताएं बहने जो खड़ी है वो कवच है। हेमंत सोरेन के साथ पूरी झारखंड की आवाम खड़ी है। जब लड़ने वाला व्यक्ति अकेला दिख रहा है, दूसरों की नजर में मीडिया कर्मी भी बहुत सारे मुझसे सवाल पूछते हैं कि मैडम आजकल तो झारखंड में दूसरे राज्यों से मुख्यमंत्री आ रहे हैं, केंद्र मंत्री आ रहे हैं, लेकिन झारखंड में तो सिर्फ हमारे हेमंत सोरेन जी हैं। आप इसको किस तरीके से देखती हैं? तो मैंने यही जवाब दिया, मैं हेमंत सोरेन जी को अकेला नहीं देखती हूं, क्योंकि झारखंड की बिटिया, बेटी, माताएं, बहनें, हमारी जितनी महिला हैं, आज सब हेमंत सोरेन जी के साथ में है। तो आप बताइए कि आप हेमंत सोरेन जी के साथ में है या नहीं है? दोनों हाथ उठा करके दिखाइए और बताइए कि आप हेमंत सोरेन जी के साथ में है या नहीं है। क्या आप हेमंत सोरेन जी के साथ में है या नहीं है? हेमंत सोरेन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद। अगर झारखंड में किसी ने अपनी टेढ़ी नजर की है तो इस बार आप लोग सचेत हो जाइए, हेमंत सोरेन के साथ पूरी झारखंड की आवाम खड़ी है, हमारी झारखंड की बेटियां खड़ी है, हमारी झारखंड के दादा भाई और महिलाएं बहन खड़ी हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि झारखंड में हेमंत सोरेन अकेला है तो आप गलत फहमी में जी रहे हैं। ले आइए दूसरे राज्य के कितने भी मुख्यमंत्री हो ले आइए, आपके केंद्र में जितने मंत्री हो ले आइए, अगर झारखंड में राज चलेगा तो हेमंत सोरेन का चलेगा, अगर झारखंड में सरकार बनेगी तो महागठबंधन की सरकार बनेगी। और जितनी योजनाएं हेमंत सोरेन ने अभी दी है इससे कई गुना आगे आने वाले समय में देगी। अगर रोक सकते हो तो रोक के दिखा दो, क्योंकि यहाँ पे हमारी हजारों लाखों संख्याएं में हमारी माताएं बहनें जो खड़ी है वो कवच है। आप सपना देख पा रही हैं? अगर आज आप खुल करके अपने जीवन को जी पा रही हैं तो उसका कारण कौन है? ये कुछ समय के लिए आएंगे, ये बहरूपिये कुछ समय के लिए आएंगे, आपको बरगलाएंगे जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, और आप लोगों को बांटने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपको अपने ईमान पे ध्यान रखना है कि आपका ईमान झारखंड के लिए होना चाहिए। और झारखंड माटी के लिए जो लड़ रहा है हेमंत सोरेन, उसके लिए आपको हमेशा खड़ा होना है। आपकी जितनी भी आने वाले समय में, आज जितिया है, आने वाले समय में हमारे दुर्गा पूजा भी आने वाली है, दिवाली आने वाली है, मेरी बस दरख्वास्त इस स्टेज के माध्यम से इतनी है, जो भी हमारा सोहराय भी आएगा, अपनी पूजा में, अर्चना में हेमंत सोरेन जी को ताकत देने का काम करिएगा। क्योंकि बाहर के लोगों ने सोचा है हेमंत सोरेन अकेला है, लेकिन जब माँ अष्टभुजा जब आठ हाथों से अकेले काम कर सकती है, यहाँ झारखंड में हमारी करोड़ों की करोड़ों हमारी महिलाएं हैं।
जो अष्टभुजा का रूप लेकर के अब हमारे सामने जितने भी बड़े लोग आ जाएं, नंबर में जितने भी बड़े लोग आ जाएं, अब सबको ध्वस्त करने का काम करेंगे। और आप लोग मेरा साथ, देवी देवी जी का साथ, दीपिका जी का साथ, हम लोगों का साथ देने के लिए तैयार है? हमारी गठबंधन सरकार को साथ देने के लिए तैयार है? और याद रखिएगा, जो बातें हम यहाँ मंच से कर रहे हैं, जो बातें हेमंत जी दूसरे मंच से कर रहे हैं, वो दिल से निकलता है और आपके दिल तक पहुंचता है। इस कनेक्शन को टूटने नहीं देना है, देना है। और मैं एक आखिरी में सवाल, आप लोगों का ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, और भी माननीय गण है, एक सवाल खास करके हमारी इस योजना के तहत मैं पूछना चाहती हूं, क्या आप मैया सम्मान योजना से खुश हैं या नहीं हैं? मैं महिलाओं से पूछना चाहती हूं, क्या ये योजना चलनी चाहिए या नहीं चलनी चाहिए? चलनी चाहिए? अगर चलनी चाहिए तो हाथ उठा दीजिएगा। योजना चलनी चाहिए? योजना चलनी चाहिए? 1000 खटाखट हर महीने पैसे आने चाहिए? तो ध्यान रखिएगा, बीजेपी वाले लोग के कुछ गैंग हैं, PIL दायर किए हुए हैं, तो ध्यान से चिन्हित कर लीजिएगा कि कौन मैया सम्मान योजना के खिलाफ काम कर रहा है, कौन सावित्री बाई फूले योजना के खिलाफ काम कर रहा है, कौन जीरो बिल हम लोगों को मिला है उसके खिलाफ काम कर रहा है, कौन कृषि ऋण माफी के खिलाफ काम कर रहा है, अबुआ आवास, सर्वजन पेंशन, हमारे क्रेडिट, गुरुजी क्रेडिट कार्ड, विदेश में जाके पढ़ करके हमारी बच्चियों को विदेश में, जिसमें एक भी पैसा आपका नहीं लगेगा, उसके खिलाफ झारखंड में जितनी योजनाएं चल रही हैं, अगर ये लोग PIL करने की हिमाकत कर रहे हैं, तो झारखंड की जनता और खास करके हमारी माताएं बहनें अब जवाब देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आप बेटी विरोधी हैं, आप महिला विरोधी हैं, आप हमारे बड़े बुजुर्गों के विरोधी हैं, क्योंकि आप नहीं चाहते कि हमारे यहाँ पे महिलाओं बेटियों के चेहरे में मुस्कुराहट आए, यहाँ हमारे घर छत के ऊपर में मजबूत छत हो, हमारे वृद्धा लोग पेंशन के साथ जिए, आप नहीं चाहते हैं। और दूसरे राज्य में आप लोग जब खिलवाड़ करते हैं, चाहे वो दलित समाज हो, आदिवासी समाज हो, पिछड़ा समाज हो, ये झारखंड की जनता भूलेगी नहीं, क्योंकि झारखंड में हमेशा भेदभाव किया गया है, झारखंड के साथ हमेशा भेदभाव किया है, और इसकी लड़ाई हेमंत सोरेन जी हमेशा लड़ते हैं, चाहे मनरेगा का बकाया पैसा हो, चाहे हमारा 1,36,00,000 का पैसा हो। अब मैं आपसे यही बस पूछना चाहती हूँ, क्या आप 1,36,000,00,000 का पैसा अपने राज्य में नहीं चाहते, जब इसी धरती से खजाना लेकर के केंद्र सरकार जाती है और हमारे राज्य को कुछ नहीं मिलता है? तो क्या आप अपना पैसा वापस लाने के लिए हेमंत जी के साथ में हैं? 1,36,000,00,000 वापस लाना है, मनरेगा का बकाया पैसा वापस लाना है, तो याद रखिएगा, इन लोगों को पहले रोकना होगा, इनको जताना होगा कि हमारा झारखंड का अपना पैसा हमको वापस दीजिए। अगर ये लोग नहीं देते हैं, तो आप लोग आने वाले समय में किसका साथ देना है और किसका साथ नहीं देना है, मैं आपके ऊपर छोड़ करके जाना चाहती हूँ। और इतनी बातों से मैं अपने बातों को यही विराम देती हूँ। जय हिंद, जय झारखंड। आखिर में नारी शक्ति जिंदाबाद होना बहुत जरूरी है। नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद।
मेरे भाई लोग भी साथ दे सकते हैं, आपके घर में भी माताएं बहने हैं, आप लोग भी जरूर साथ दीजिएगा। नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, मैया सम्मान योजना जिंदाबाद, मैया सम्मान योजना जिंदाबाद, बेबी देवी जिंदाबाद, हे मंसूरन जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोग यहाँ आए हैं। आखिर में फिर से जितिया पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। आप सब यहाँ आए, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, हमारी बातों को ध्यान से सुना, मेरी तरफ से कोटि कोटि प्रणाम है। धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।